हेलो एवरीवन, आप लोग को मेरे चैनल गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों वाली पहला में जितने भी प्रश्न दिया है एक से लेकर 11 तक, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी प्रश्नों को समझने में परेशानी ना हो। चलिए तो फिर पहले प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न वाली एक में सर्व समीकरण सिद्ध करना है। तो आपका पहला प्रश्न है, देखिए, 1/sec θ - 1 - 1/sec θ + 1 = 2cot² θ। हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया है, लेफ्ट हैंड साइड 1/sec θ - 1 - 1/sec θ + 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। तो लघुत्तम लेकर बनाते हैं, तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा, sec θ - 1 * sec θ + 1। तो इसका एलसीएम यहाँ पर लिख देता हूँ, sec θ - 1 * sec θ + 1। अब इसके पश्चात कैसे इसको हल किया जाता है, इस वाले आइडेंटिटी के साथ भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, sec θ - 1 का इस आइडेंटिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो sec θ - 1 और sec θ - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, sec θ + 1। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देना, तो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पर यह क्या आने वाला है, sec θ + 1 आने वाला है। फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह का साइन है, माइनस चिन्ह को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले आइडेंटिटी का डिवाइड इसमें होने वाला है इस वाले आइडेंटिटी के साथ, तो यहाँ पर sec θ + 1 और sec θ + 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, sec θ - 1, यही बचने वाला है। इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, तो चलिए 1 के साथ करते हैं, तो sec θ - 1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जब भी माइनस चिन्ह रहता है तो यहाँ पर जो कुछ भी आइडेंटिटी आएगा उसको आप लोग कोष्टक में ज़रूर लिखना, नहीं तो आंसर गलत होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब भी माइनस चिन्ह रहेगा तो आप लोग यहाँ जो भी आइडेंटिटी आएगा उसको कोष्टक में लिखना, ठीक है। अब उसके पश्चात इसी माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई इस वाले आइडेंटिटी के साथ करेंगे, तो चलिए करते हैं, sec θ + 1, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, यह आ जाएगा sec θ - sec θ आ गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, 1 आ गया। अपान में देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, बीजगणितीय फार्मूला, उसको मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ समझाने के लिए, a + b (a - b) = a² - b² होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, a + b (a - b) = a² - b² होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर देखिए, इसको एक बार देखिए, a के जगह में क्या है, sec θ है, और b के जगह में क्या है, 1 है ना, a + b (a - b) के समान जैसा है। तो इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a² - b² अर्थात sec²θ - 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, sec²θ - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, sec θ + sec θ - कैंसिल हो गया। अब उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 2/sec²θ - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब आप लोगों को पता होगा, 3 आइडेंटिटी वाला सूत्र जो होता है, sin²θ + cos²θ = 1 होता है, और cosec²θ = 1 + cot²θ होता है, और एक और आइडेंटिटी सूत्र होता है, sec²θ = 1 + tan²θ होता है। तो इस सूत्र का यही प्रयोग होने वाला है, देखिए sec²θ = 1 + tan²θ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, 1 को जैसे इधर पक्षांतर करूँगा तो इस पर आकर वो माइनस हो जाएगा, अर्थात sec²θ - 1 = tan²θ हो जाएगा। तो यहाँ पर sec²θ - 1 को हम लोग tan²θ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, sec²θ - 1 को क्या लिखने वाले हैं, tan²θ। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, 2/tan²θ, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर 2/tan²θ तो आ गया है, फिर इसके पश्चात इसको हम लोग पुनः लिख सकते हैं, 2/tan θ × tan θ। दो बार इसी को लिख दिया हूँ, tan θ × tan θ का मल्टीप्लाई tan²θ होता है। अब इसके पश्चात इसको पुनः लिखा जा सकता है, 2 × 1/tan θ × क्या आ जाएगा, tan θ।
अब यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा, सूत्र याद किए होंगे, तो 1/10 थीटा इक्वल कॉट थीटा होता है। सबको पता होना चाहिए व्युत्क्रम सूत्र, ठीक है। कॉट का उल्टा टेन थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर 1/10 थीटा है, तो 1/10 थीटा का सूत्र जो होता है वह कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर एक बार सूत्र को लिख देता हूँ, कॉट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ पर 1/10 थीटा की जगह में हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1/10 थीटा की जगह में कॉट थीटा और 1/10 थीटा की जगह में कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cot² θ। यही राइट साइड है, यही क्या है, राइट साइड हम लोग प्रूव कर लिए, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न को लिख दिया हूँ। आपका दूसरा प्रश्न है sec² θ + cosec² θ = sec² θ × cosec² θ। तो इस प्रश्न में भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करने वाले हैं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर देख sec² θ + cosec² θ, तो इससे हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करने वाले हैं। तो आप लोगों को उल्टा वाला सूत्र पता ही होगा, एक बार यहाँ पर उस सूत्र को मैं लिख देता हूँ ताकि ये प्रश्न बनाने में आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए आपको, आप लोगों को पता ही होगा साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec θ होता है और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec θ होता है, और टेन थीटा जो होता है वह 1/cot θ होता है और कॉट थीटा जो होता है वह 1/tan θ होता है, ठीक है। और इसी प्रकार सेक थीटा जो होता है 1/cos θ होता है और कोसेक थीटा जो होता है 1/sin θ होता है। ये उल्टा सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए sec² θ + cosec² θ दिया है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है sec थीटा का फार्मूला जो होता है 1/cos θ होता है, बट इसमें स्क्वायर है तो इसके सूत्र में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात sec² θ इक्वल टू 1/cos² θ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, sec² θ का cos² θ हो जाएगा प्लस देखिए cosec² θ है, क्योंकि cosec² θ इक्वल टू 1/sin θ होता है, तो यहाँ पर भी वर्ग है तो इसके सूत्र में भी क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, अर्थात cosec² θ इक्वल टू 1/sin² θ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/sin² θ, ठीक है। अब इसके पश्चात इसको कैसे हल करेंगे, इसका लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो इसमें लघुत्तम क्या क्या आएगा, cos² θ × sin² θ। तो चलिए लिख देते हैं इसका लघुत्तम, लघुत्तम आ जाएगा cos² θ × sin² θ, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी समझकर हल करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, अर्थात sin² θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पर sin² θ आ जाएगा, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन को लिख दिया जाता है, और cos² θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया जाता है तो यहाँ पर cos² θ आ जाता है, ठीक है। समझने के लिए आप वैसा करते हैं, बट इसमें ऐसा होता है cos² θ का डिवाइड जो होता है इस आइडेंटिटी के साथ होता है, ठीक है। इस आइडेंटिटी के साथ डिवाइड किया जाता है, तो इसमें देखिए cos² θ कैंसिल हो गया, बचा क्या sin² θ, तो sin² θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ होता है, ठीक है। तो 1 के साथ करने पर क्या आ जाएगा, sin² θ आएगा, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन कर दिया, फिर इस वाले आइडेंटिटी का sin² θ का इस वाले आइडेंटिटी के साथ डिवाइड किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर sin² θ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या cos² θ, तो cos² θ का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ जाएगा cos² θ, ठीक है यहाँ तक। अब उसके पश्चात आप लोगों को आइडेंटिटी फार्मूला और पता होगा, जैसे कि sin² θ + cos² θ = 1 होता है, और sec² θ = 1 + tan² θ होता है, और एक और फार्मूला होता है cosec² θ = 1 + cot² θ होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उन सूत्रों को, sin² θ + cos² θ = 1 होता है, और क्या होता है sec² θ = 1 + tan² θ होता है, और cosec² θ = 1 + cot² θ होता है। ये आइडेंटिटी फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sin² θ + cos² θ का जो वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पर उसको पुट करेंगे 1/cos² θ × sin², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको पुनः हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान
कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई वन अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा किस सूत्र का उल्टा होता है, सेक थीटा का। तो वन अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, क्योंकि इसमें देखिए वह स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसके सूत्र में भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा को पुनः सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, अर्थात वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो राइट साइड है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कर लिए राइट हैंड साइड को, ठीक है, सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न भी आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड प्रूफ करके आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का पावर 2, ठीक है, साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 जब 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग को बीजगणितीय सूत्र पता ही होगा, यहाँ पर मैं एक बार सूत्र को लिख कर बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अधिकतर सभी लोगों को पता ही होता है ये सूत्र, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज कैसे होगा मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को 2ab को इधर पक्षांतर कर दो, तो जब भी पक्षांतर करते हैं तो ये साइन चिन्ह अलग हो जाता है, तो देखिए प्लस 2ab इधर लाएंगे तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर यहाँ से क्या किसका सूत्र मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र हमें मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मिल गया। तो देखिए इस सूत्र का यूज इस प्रश्न में कैसा होता है, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर a को मैं a मान लूँ, साइन स्क्वायर ए को मैं ए मान लूँ तो ये ए का स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं बी मान लूँ तो ये बी का वर्ग हो जाएगा, तो अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात इस फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका सूत्र ये होता है, ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पर इस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग रिलेट करके बना सको इस प्रश्न को। तो देखिए सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि इसी प्रश्न को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए के स्थान पर है और इसका वर्ग, प्लस बी के स्थान पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और इसका वर्ग है इक्वल टू, आप लोग देखिए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर पुट कीजिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बी के स्थान पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का फिर होल स्क्वायर फिर माइनस 2, ए के स्थान पर क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बी के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र में मैं कैसे रखा हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब देखिए आइडेंटिटी सूत्र आप लोग को पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही तो हमें राइट साइड प्रूफ करना था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अर्थात हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा।
देखिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये दिया है और राइट हैंड साइड ये दिया है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड प्रूफ करने वाले हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा दिया है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आप लोग को बनाने को मिलेगा तो आप लोग हर का परिमीकरण करके बनाना, ठीक है। तो हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है देखिए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई। हर का परिमीकरण कैसे किया जाता है, यहाँ के चिन्ह को देखकर। जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका चिन्ह प्लस में है, तो हर का परिमीकरण जब भी करते हैं तो उस चिन्ह को बदल कर हर का परिमीकरण किया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्लस है तो इसका चिन्ह को माइनस कर देंगे, अंश और हर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हर का परिमीकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ प्लस साइन है, इसी प्लस साइन को यहाँ पर मैंने माइनस साइन कर दिया, ठीक है। इसी को हर का परिमीकरण कहते हैं। तो हर का परिमीकरण कर लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा के साथ होगा, क्योंकि ये सेम है तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान। अब यहाँ पर पुनः देखिए आप लोग, फिर से बीजगणित सूत्र का यूज होने वाला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह में 1 है और b के जगह में कॉस थीटा है, तो इस सूत्र को यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इसका मल्टीप्लाई है, a के जगह में 1 है और b के जगह में cos थीटा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब फिर पुनः आइडेंटिटी वाला सूत्र आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर मैं यदि कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड यदि पक्षांतर करूँगा तो इसका फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में आया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपान में इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता होगा अंडर रूट कैसे करता है, जब किसी क्वांटिटी का वर्ग होता है तो अंडर रूट से वह बाहर निकलता है, ठीक है। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग है तो इस ये जो वर्ग है अंडर रूट को कटा देगा। हर में भी देखो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का भी वर्ग है तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पुनः लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब उसके पश्चात इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हर में साइन थीटा जो दिया है वो इस अलग अलग क्वांटिटी के साथ अलग अलग भाग देंगे, 1 के साथ अलग भाग देंगे और कॉस थीटा के साथ अलग भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं भाग देकर बताता हूँ, 1 के साथ अलग भाग 1 अपान साइन थीटा, बीच में क्या का साइन है, माइनस का, माइनस हो जाएगा और ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए, उल्टा सूत्र, जो साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 अपान साइन थीटा पता होना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। तो इस फार्मूले में यह फार्मूला यूज होगा, 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस, ये भी सूत्र आप लोग को पता ही होगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। यहाँ पर भी उस सूत्र को लिख देता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो इस सूत्र का यूज इसमें होगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसको कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यही राइट हैंड साइड है। ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इस प्रश्न को आप लोग जरूर बनाकर देखना, एग्जांपल में और क्वेश्चन दिया होगा उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग भी सॉल्व करके देखना, ठीक है। फिर देखते हैं पाँचवा प्रश्न, देखिए इसमें मैं पाँचवा प्रश्न को लिख चुका हूँ,
वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू टू। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड टू प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिख देता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग टू प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये कॉट थीटा का जो साइन और कॉस के फॉर्म में होता है उस वाले सूत्र को लिखेंगे। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और कोसेक थीटा का उल्टा सूत्र क्या होता है, वन अपन साइन थीटा होता है। तो उसी सूत्र को इसमें रखने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा वह सूत्र, तो चलिए रखते हैं। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा का सूत्र होता है वन अपान साइन थीटा, ये माइनस चिन्ह का साइन है तो माइनस लिखेंगे, माइनस वन अपान साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से इंटू वन प्लस टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा का सूत्र साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा का उल्टा सूत्र होता है वन अपान कॉस थीटा, वन अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पर इस सूत्र को रख दिया हूँ वन अपान कॉस थीटा। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप इसमें साइन थीटा को लघुत्तम लेंगे, और इसमें दिखाई ही दे रहा है इसमें कॉस थीटा को लघुत्तम लेने वाले हैं। तो तीनों पदों के लिए इन साइन थीटा को लघुत्तम ले लिया, और साइन थीटा को लघुत्तम लेंगे तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा तो साइन थीटा ही आएगा। बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिखा, अब उसके पश्चात क्या किया जाता है, साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा के साथ करेंगे, तो साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा के साथ करेंगे तो वन आ जाएगा, और वन का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे, साइन थीटा का डिवाइड साइन थीटा के साथ होगा तो साइन थीटा कटेगा वन बार से, और वन बार से कटेगा तो वन का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा तो ये वन आएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका भी हल करने वाले हैं, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। बीच में प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, उसके पश्चात कॉस थीटा के साथ डिवाइड होने वाला है तो एक आएगा, और एक का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगा तो ये साइन थीटा ही आएगा। बीच में प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, अब कॉस थीटा का डिवाइड कॉस थीटा के साथ होगा पुनः तो वन ही आएगा, और वन का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो वन वन जा वन ही आएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको ए मानूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मानूँ, माइनस वन को मैं बी मानूँ, तो ए माइनस बी के फॉर्म में बन गया। इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए माना हूँ और वन को क्या माना हूँ, बी माना हूँ, तो यहाँ पर भी वही सूत्र का यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार समझने के लिए यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको अलग से कोष्टक में माइनस वन। ठीक है, इसके पश्चात इसको बड़ा कोष्टक में रख देता हूँ, और इसको देखिए, इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी कोष्टक में प्लस वन। ठीक है, अब पान में क्या है, देखिए साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, और उसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए के स्थान पर क्या है, देखिए ए के जगह में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसका वर्ग होने वाला है, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर होगा, अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस सूत्र में रखने वाले हैं। तो चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र में इसको रखने वाले हैं, तो ए के जगह में साइन थीटा है और बी के जगह में कॉस थीटा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, ए के जगह में साइन थीटा है और बी के जगह में कॉस थीटा है, टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
उसके पश्चात माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन होगा। अब पान में क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी सूत्र फिर यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वन होता है, तो यहाँ पर उसको पुट अप करेंगे, पुट कर दिया वन प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, इसको आगे पीछे कर दिया हूँ, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस सॉरी माइनस वन, माइनस वन अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वन और वन कैंसिल हो जाएगा, उसके पश्चात क्या बचने वाला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर साइन थीटा को काट देगा, कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर बचा क्या, टू टू बचा, जो कि यही तो राइट हैंड साइड है, इसी को प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं छठवां प्रश्न, देखिए यहाँ पर मैंने छठवां प्रश्न को लिख दिया हूँ, तो आपका छठवां प्रश्न है वन प्लस कॉस थीटा अपान वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू फोर कॉट थीटा और कोसेक थीटा, फोर कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, वन प्लस कॉस थीटा अपान वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग हर का लघुत्तम लेकर बनाना, तो हर का लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम क्या आएगा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा आएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा आएगा। अब इसके पश्चात आप लोग जानते होंगे, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा का इस वाले आइडेंटिटी के साथ डिवाइड जाता है, तो वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, क्योंकि ये भी वन प्लस कॉस थीटा है, ये भी वन प्लस कॉस थीटा है, तो वर्ग हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस चिन्ह है बीच में। अब उसके पश्चात देखिए वन प्लस कॉस थीटा का डिवाइड इन आइडेंटिटी के साथ होगा, तो वन प्लस कॉस थीटा जो होता है वन प्लस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, उसके पश्चात वन माइनस कॉस थीटा का गुणा जो होगा वन माइनस कॉस थीटा के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए वन माइनस कॉस थीटा और ये वन माइनस कॉस थीटा दोनों समान है, तो इसका भी होल स्क्वायर वो बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन है। अब उसके पश्चात देखिए, उसके पश्चात यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, इसका एक और सूत्र से बनेगा, यहाँ पर देखिए इसको मैं यदि पूरे को a मान लेता हूँ, इसको मैं पूरे को b मान लेता हूँ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के सूत्र में भी यह बनने वाला है, तो मैं इस वाले सूत्र से बनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र में इस प्रश्न को बनाता हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो यही सूत्र से मैं इस प्रश्न को बना रहा हूँ। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र में रख रहा हूँ, तो एक का वर्ग एक होता है प्लस टू ए बी, a का मान एक है, गुणा वन कर दिया, गुणा में कॉस थीटा, टू ए बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस, माइनस चिन्ह का जब भी साइन रहता है इधर जो भी मान आएगा उसको आप लोग कोष्टक में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए कोष्टक लगा देता हूँ, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा वन की स्क्वायर वन माइनस टू ए बी वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब पान में होगा, यहाँ पर भी पुनः देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसका सूत्र आप लोग जानते ही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा वन की स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात यहाँ पर माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे इस कोष्टक में, तो चलिए कर लेते हैं, वन प्लस टू कॉस थीटा आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह आप लोग जानते हो चिन्ह को परिवर्तन कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और ये आ जाएगा टू कॉस थीटा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब पान में हो जाएगा वन माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कौन कैंसिल होने वाला है, वन प्लस में है और वन माइनस में है, कट गया और कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस में है और ये माइनस में है, आपस में कट जाएगा। अब उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए टू कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा, तो दोनों जुड़ेगा, तो दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, फोर कॉस थीटा अपान वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए वन माइनस कॉस थीटा का जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक बार यहाँ पर सूत्र को लिख कर बता देता हूँ वह कैसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। यदि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर राइट साइड पक्षांतर करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अर्थात वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर कॉस थीटा अपान, फोर कॉस थीटा अपान वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके पश्चात इसको पुनः क्या लिखा जा सकता है, देखिए फोर कॉस थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा को दो बार इंटू के रूप में लिख रहा हूँ, जैसे कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए सूत्र होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा का जो सूत्र होता है कॉट थीटा होता है, और यहाँ पर बच गया वन अपान साइन थीटा, और वन अपान साइन थीटा किसका उल्टा सूत्र है, कोसेक थीटा का, अर्थात कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और वन अपान साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा होता है। देखिए यही राइट हैंड साइड प्रूव करना था, फोर कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, फोर कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं सातवां प्रश्न, तो देखिए आपका सातवां प्रश्न है साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू टू कोसेक थीटा। तो देखिए इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया हूँ। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए आप लोग लघुत्तम लेकर बनाना, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसके पश्चात क्या किया जाता है, देखो इस वाले आइडेंटिटी का वन प्लस कॉस थीटा का डिवाइड इस वाले आइडेंटिटी के साथ किया जाता है, तो वन प्लस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या साइन थीटा, और ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ होगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, प्लस चिन्ह को लिख दिया। अब उसके पश्चात देखिए इस साइन थीटा का जो भी आइडेंटिटी है, साइन थीटा जो है वह इसका डिवाइड इस आइडेंटिटी के साथ जाने वाला है, मतलब इस मान के साथ जाने वाला है, तो साइन थीटा को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, तो वन प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई वन प्लस कॉस थीटा के साथ होगा, तो यह होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक ठीक है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके पश्चात देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगने वाला है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसी सूत्र में इसको रखने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर वन होता है प्लस टू ए बी, ए के जगह में वन है और बी के जगह में कॉस थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है कॉस स्क्वायर थीटा अपान में वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। एक बार इसको मैं ऐसे जमा के लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा अपान में है वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो यहाँ पर उसके मान को रखेंगे, तो उसके मान को यहाँ पर रख देता हूँ वन प्लस, वन प्लस क्या हो जाएगा वन प्लस टू कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये इस सूत्र को यहाँ पर आप लोग लिख देना, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है।
ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, यहाँ पर लिखा हूँ तो वन प्लस वन हो जाएगा टू हो जाएगा, टू प्लस टू कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए दो कॉमन निकलने वाला है तो दो को कॉमन निकाल लेते हैं, दो कॉमन निकला यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा आएगा अपान में वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखिए वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, उसके पश्चात आएगा टू अपान साइन थीटा, टू अपान साइन थीटा, इसको पुनः लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई वन अपान साइन थीटा। तो वन अपान साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा का सूत्र होता है, वन अपान साइन थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टू कोसेक थीटा, जो कि इसी को प्रूव करना था टू कोसेक थीटा, हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, ठीक है, मैंने यहाँ पर आठवां प्रश्न को लिख दिया हूँ, तो आठवां प्रश्न है आपका, देखिए यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ये दिया है, तो इसी के माध्यम से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू टू कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो देखिए इससे हम लोग प्रूफ करते हैं, दिया है क्या दिया है, देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू साइन थीटा, ठीक है, इसी इक्वेशन की मदद से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए साइन माइनस साइन थीटा को राइट साइड पक्षांतर कर दो, तो क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह हमें बदलता है, चिन्ह बदलता है, तो इस पर माइनस है उस पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट दो प्लस वन, अंडर रूट टू प्लस वन इंटू साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया। अब ठीक है, अब उसके पश्चात अंडर रूट टू प्लस वन को इधर पक्षांतर करेंगे, तो आप लोग को पता होगा जब भी इंटू का साइन होता है पक्षांतर करते हैं तो डिवाइड में जाता है, तो ये इस पर लाएंगे तो इस पर कॉस थीटा के डिवाइड में आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए कॉस थीटा बटे अंडर रूट टू प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके पश्चात जो हर में है अंडर रूट दो प्लस वन का परिमीकरण करने वाले हैं, परिमीकरण, तो चलिए परिमीकरण करते हैं हर का, तो ये कॉस थीटा अपान अंडर रूट टू प्लस वन मल्टीप्लाई अंडर रूट टू माइनस वन अपान अंडर रूट टू माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होगा देखिए कॉस थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपान में देखिए इस वाले सूत्र को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, और उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, a का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक होता है, पता ही है, इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर किस सूत्र का यूज़ किया हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए क्या होगा कॉस थीटा अंडर रूट टू माइनस वन अपान अंडर रूट टू का वर्ग है तो ये हो जाता है टू, टू माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू में वन घटेगा तो वन आएगा, तो इसको पुनः लिख सकते हैं कॉस थीटा अंडर रूट टू माइनस वन इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अंडर रूट टू के साथ करो और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करो, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा को राइट साइड पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा अंडर रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू ये राइट साइड जाकर उसका चिन्ह बदल जाएगा अर्थात प्लस हो जाएगा, तो ये साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए इसी को हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा, यही तो सिद्ध करना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट होता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ, आप लोग को बता सकूँ पुनः। ठीक है, अब देखिए नवा प्रश्न,
तो देखिए मैंने यहाँ पर नवा प्रश्न को लिख दिया हूँ। तो आपका नवा प्रश्न है, यदि टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाई, टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाई दिया है तथा साइन थीटा इक्वल टू एम साइन फाई हो तो सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। इसको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। हमें ये दो रिलेशन दिया है, इसी दोनों रिलेशन के मदद से इसको प्रूव करना है। तो क्या क्या दिया है इसको लिख लेता हूँ। दिया है देखिए क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाई, ठीक है। चलो इसको हल कर लेते हैं। देखिए एन जो है इसको प्रूव करेंगे, इसमें टेन फाई का मान निकालने वाले हैं। तो टेन फाई क्या मिलेगा, देखिए टेन फाई इक्वल टू एन, एन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है तो पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, टेन थीटा बाई एन हो जाएगा, टेन थीटा बाई एन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो टेन फाई का जो उल्टा सूत्र जो होता है वन अपान कॉट फाई होता है, और कॉट फाई का उल्टा सूत्र होता है वन अपान टेन फाई, ठीक है। इस सूत्र को मैं क्यों रख रहा हूँ आप लोगों को बाद में बताऊँगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू एम साइन फाई, ये भी दिया है साइन थीटा इक्वल टू एम साइन फाई। देखिए यहाँ पर भी साइन फाई का मान निकालेंगे तो साइन फाई इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई एम। अब आप लोग यहाँ पर देखिए साइन फाई और टेन फाई, साइन फाई और टेन फाई वाला कोई भी रिलेशन वाला सूत्र नहीं है, कोई भी आइडेंटिटी सूत्र नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टेन फाई का उल्टा सूत्र होता है वन अपान कॉट फाई, वन अपान कॉट फाई, और साइन फाई का उल्टा सूत्र होता है वन अपान कोसेक फाई। तो आप लोग याद करो, रिकॉल करो कि कोसेक फाई और कॉट फाई दोनों में क्या सूत्र होता है, दोनों में क्या आइडेंटिटी वाला सूत्र होता है। तो एक सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी सूत्र के मदद से इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई है, तो थीटा के जगह में फाई लिखा जा सकता है, अर्थात कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टेन फाई को कॉट फाई में चेंज करें और साइन फाई को कोसेक फाई में चेंज करें, फिर उस सूत्र में रख कर हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टेन फाई का जो सूत्र होता है वन अपान कॉट फाई होता है इक्वल टू टेन थीटा बाई एन होता है। यहाँ से कॉट फाई का मान निकालेंगे अर्थात दोनों साइड को उलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉट फाई इक्वल टू एम अपान टेन फाई, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये साइन फाई का सूत्र होता है वन अपान कोसेक फाई इक्वल टू साइन थीटा अपान एम होता है। तो यहाँ पर भी कोसेक फाई का मान निकालेंगे तो इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा कोसेक फाई इक्वल टू एम अपान साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोसेक फाई का मान एम साइन थीटा मिल गया और कॉट फाई का मान एम साइन एम एम बाई टेन थीटा मिल गया, ठीक है। तो इसका रिलेशन वाला फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि यहाँ पर फाई है तो इसको आप लोग फाई लिख सकते हो, अर्थात कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर देखिए इसको कॉट स्क्वायर फाई को मैं इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक बार सूत्र को यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, ठीक है। अब इसके पश्चात कॉट स्क्वायर फाई को लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको इक्वेशन नंबर वन मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर टू मान सकते हो। तो अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर फाई का मान दिया है, यहाँ पर पुट अप करेंगे, यहाँ पर कॉट फाई का मान ये दिया है तो यहाँ पर इसको भी पुट अप कर देंगे, ठीक है। चलो पुट कर देते हैं, एम बटे साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, चूँकि यहाँ पर कॉट फाई का मान दिया है कॉट फाई, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे एम बाई टेन थीटा, एम बाई टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। अब इसके पश्चात इसको वर्ग करेंगे, एम स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर अपान, सॉरी ये एन है, ठीक है, ये एन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर अपान ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। यहाँ पर देख लेना ये एन है। अब उसके पश्चात क्या होगा,
टेन थीटा का सूत्र रखना पड़ेगा यहाँ पर। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पर रखेंगे एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर, इसका सूत्र होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। चूँकि इसका वर्ग है तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड है और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह अंश में चला जाता है, अर्थात इसको पुनः हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा अंश में चला जाएगा, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे जब भी इक्वेशन मिलेगा तो आप लोग लघुत्तम लेकर बनाना। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर देखिए है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देगा एक बार में, तो एक का मल्टीप्लाई एम स्क्वायर के साथ होगा तो ये एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह का साइन है, माइनस चिन्ह को रख दिया। फिर पुनः देखिए साइन स्क्वायर थीटा को एक बार में कैंसिल कर देगा और वन का मल्टीप्लाई जो होगा वो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ होगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा वन। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ होगा, तो कर देते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई वन के साथ, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर रिलेशन क्या आ गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा का ऐसा सूत्र रखना जिसमें कॉस हो। तो साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद रखना, ये सूत्र पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जा सकता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी सूत्र को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पुनः देखिए इस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पक्षांतर करूंगा और वन को लेफ्ट साइड पक्षांतर करूंगा, तो चिन्ह बदलता है, एम स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है दोनों पदों में, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकाल लेते हैं एम स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। यही हमें प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपान एन स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा आप लोगों को। तो चलिए दसवां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका दसवां प्रश्न है, यदि एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा तथा वाई इक्वल टू बी कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल वन प्रूव करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यह दिया क्या है एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा, ठीक है, तथा वाई इक्वल टू दिया है बी कॉट थीटा। देखो इसी इक्वेशन को इसमें रखने वाले हैं, इसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, सिद्ध करना है ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ये ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख दिया हूँ, राइट हैंड साइड वन प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा दिया है और वाई इक्वल टू बी कॉट थीटा दिया है, इसी मान को यहाँ पर रखने वाले हैं, एक्स के मान को यहाँ पर रखेंगे और वाई के मान को यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, एक्स का मान क्या दिया है, ए
कोसेक थीटा का स्क्वायर माइनस सॉरी बटे ए स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है। वाई का मान क्या दिया है, बी कॉट थीटा का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या होगा देखिए, बारी बारी से इसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान में हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके पश्चात यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को कटा देगा और बी स्क्वायर को कटा देगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही एक होता है, इसका मान क्या होता है एक होता है, और यही हमें प्रूव करना था एक। ठीक है, एक प्रूव हो गया इजी वे में, ये यह प्रश्न बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट है प्रश्न, तो देखिए इस प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न 11वां है आपका। यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी और y इक्वल टू आर साइन ए कॉस साइन सी और z इक्वल टू आर कॉस ए हो, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है देखिए x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी दिया है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या दिया है r साइन ए साइन सी दिया है, और z इक्वल क्या दिया है r कॉस ए दिया है। अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखिए, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से मैं ऐसे प्रूव कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहा हूँ, अर्थात आर स्क्वायर लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड को ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर एक्स का मान पुट कर दो, यहाँ पर वाई का मान पुट कर दो, यहाँ पर जेड का मान पुट कर दो, जो कि यहाँ पर दिया है। तो देखिए चलो पुट करते हैं, एक्स का मान क्या दिया है आर साइन ए कॉस सी इसका स्क्वायर होगा, प्लस वाई का मान दिया है आर साइन ए साइन सी का स्क्वायर, प्लस जेड का मान दिया है आर कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बारी बारी से वर्ग करेंगे सभी क्वांटिटी का, तो ये क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, प्लस इसी प्रकार से ये भी होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सभी का वर्ग कर दिया हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकलेगा, तो चलिए उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर सी। ठीक है, प्लस में बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इसका वैल्यू वन होता है। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पर वन कब होता है आप लोगों को एकदम क्लियर पता होना चाहिए। यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो होता है समान होना चाहिए, तभी ये जो रिलेशन जो दिया रहता है उसका मान वन होता है। एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू वन होगा, यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दिया रहता है वह सेम होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू वन होता है। अर्थात यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी का मान एक होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई वन, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए पुनः देखिए इन दोनों पदों में आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर फिर कोष्टक में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। पुनः यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एक होगा, अर्थात यहाँ पर हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वन, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यही जो कि हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह भी प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न वाले एक में जितना भी क्वेश्चन थे उसको अच्छी तरीक़े से
बनाकर देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन में आप लोग को यदि डाउट होगा तो उन प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि उसके उसके लिए मैं